अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्रोज सीरीज। मैंने जो करंटली अभी हाथ में उठाई हुई है ये लाइफ वेस्ट। लाइफ वेस्ट या आम लाइफ वेस्ट नहीं है, जो हम जहाज़ों के अंदर एरोप्लेन्स के अंदर जो यूज़ होती है लाइफ वेस्ट, ये वो लाइफ वेस्ट है। अगर बात करूँ कि जो रेगुलर पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, प्लेन पर सफ़र करते हैं, उन्होंने भी सारी डिमॉन्स्ट्रेशन देखी होगी कि ये लाइफ वेस्ट होती क्या है, या वहाँ पर एयर होस्टेस जो पूरी परफॉर्म करके बताती है इसको यूज़ कैसे करना है, बट उन्होंने कभी रियल में ये लाइफ वेस्ट नहीं देखी होगी। तो आज हम जो ये लाइफ वेस्ट इसका अनपैक करते हैं, इसको अंदर देखते हैं इसके क्या क्या चीज़ होती है और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको देन ओपन करके पूरा कंप्लीट इसका सेटअप देखते हैं, चलते भी लागू। ओके, यहाँ पे स्टेप लगी हुई है पुल, इसको पुल करते हैं। जी व्यूअर्स, ये लाइफ वेस्ट। अब लाइव वेस्ट की मैं थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ कि इसमें एक्चुअली होता क्या क्या है। जी लाइव वेस्ट की अगर साइड्स देखें, साइड्स में आपको मिलेंगी ओरल ट्यूब्स। इस साइड पे भी ओरल ट्यूब होती है, सेम टू सेम इस साइड पे भी ओरल ट्यूब होती है। एंड अगर इनर साइड पे जाएं, ये लाइट कोई आम लाइट ही है, इसके साथ सेंसर लगा हुआ है। इस लाइट के साथ ये सेंसर है, अगर कैमरा आपको सही जूम करके दिखा सके, ये बेसिकली ये होता है वाटर एक्टिवेटेड लाइट होती है, और इसको रेस्क्यू लाइट भी कहते हैं। टू एक्टिवेट रिमूव प्लग्स एंड इन इमर्स इन वाटर, सिर्फ और सिर्फ ये पानी के अंदर ही काम करती है। पर पानी में जब इसकी कैपेसिटी होती है, इसका सेंसर जब एक्टिवेट होता है, तो ये पानी के अंदर लाइट ये ग्लो करती है, ऑन होती है। और इसके अंदर जाएँ तो यहाँ पर CO2 के सिलेंडर्स लगे हुए हैं, एंड इसके साथ स्ट्रैप लगी हुई है जो इसको पुल करने के लिए, जिसके थ्रू ये इमीडिएट जो है इमरजेंसी सिचुएशन में इसके अंदर हवा भरी जाती है। सेम टू सेम एक सिलेंडर इस साइड पे लगा हुआ है CO2 का, इसके साथ भी स्ट्रिप है, इसको पुल करें एंड इससे भी हवा भरी जाती है। ओरल ट्यूब्स, इनके दो पर्पज़ हैं। एक तो अगर किसी को मसला हो रहा सांस से रखा पानी में, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारे पास ये सिलेंडर काम ना करें, तो हम इनको, इनके अंदर पिन है, अगर गौर से देखें तो इनके अंदर पिन है। इस पिन को जब हम ब्लो करते हैं तो ये पिन प्रेस होती है, इससे हवा भी भर सकते हैं इनको। मतलब ये टू वे है, फुल डुप्लेक्स है, इन और आउट दोनों के लिए यूज़ होती है। है जी, जैकेट के साथ नीचे देखें, इसकी बैक साइड पे पूरी स्ट्रैप है, इसको फिक्स करने के लिए, बॉडी के लिए फिक्स करने के लिए पूरी पूरी बकल स्ट्रैप ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, जो कि बड़े से बड़े 120 kg तक के वेट के बंदे के लिए ये ओके टू यूज़ है, उसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं। खैर, अभी मज़ीद इसको दिखाते हैं। ये बेसिकली इस पर लिखा हो तो PAA का है, लेकिन ये इसकी मैं आपको टैग दिखाता हूँ, PAA का नहीं है। ये पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन नहीं होती, कोई भी लाइव वेस्ट पाकिस्तान में नहीं बनाई जाती। ये अगर गौर से दिखा सकूँ आपको, इसका स्ट्रैप, इसका सीरियल नंबर ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, ये हूवर इंडस्ट्रीज़ का है, और पाकिस्तान में ये वेस्ट नहीं बनती, जस्ट ये PAA के लिए बनाई गई है। PAA ने ऑर्डर पे बनवाई है, इसलिए इस पर PAA लिखा हुआ है। वेल, जिसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें ब्लो कैसे होती है यार, और ये सिलेंडर्स कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये देखते हैं। जी एक सिलेंडर मैंने ब्लो किया है, एक साइड अगर मैं दिखा सकूँ तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। और इसका जो सिलेंडर है, अगर कैमरा आपको क्लोजली दिखा सके, CO2 अगर ये मैं हाथ से इसको कर रहा हूँ, ये इतनी ठंडा हो चुका है ये सिलेंडर इसका, इस पर आइस जमी हुई है इस टाइम हल्की हल्की सी। सेम टू सेम दूसरी साइड इसकी ब्लो करते हैं, सेम टू सेम अभी हम इसकी सेकेंड साइड ब्लो करते हैं, और इसमें जो है ना एयर ब्लो करते हैं। जी व्यूवर्स, ये हमारी सेकेंड साइड जो है वो भी ब्लो हो गया। बेसिकली ये होती कैसे, यूज़ कैसे होती है, ये जो पोर्शन होता है ये आपका गर्दन में होता है, ये जो पोर्शन होता है ये आपका गर्दन में होता है, और उसके बाद इसको ब्लो किया जाता है। जस्ट ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं वैसे ब्लो कर दिए। एंड सेम टू सेम ये जो बकल्स है इसकी, ये आपके राउंड आपके जो बॉडी है उसके साथ होके दोबारा यहाँ पर बकल में इंसर्ट हो जाती है, और ये आपके साथ फिक्स हो जाती है। एटलीस्ट ये आपको पानी के अंदर डूबने नहीं देती, और इस
ये जो साथ मैंने जैसे बताया सेंसर लगा और ये लाइट, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पानी के अंदर इन केस ऑफ क्रैश, अगर प्लेन आपका क्रैश कर जाता है और आप पानी में हो, तो ये रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू टीम्स को पता चल जाए कि एटलीस्ट यहाँ पे बंदा जो है वो सर्वाइवल में है और वहाँ से आप को रिकवर कर सके। वेल व्यूअर्स, ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और नई नई चीज़ें इसमें समझ आई होंगी। और आपने फर्स्ट एंड लाइफ जैकेट जो है वो, दूसरी लाइफ जैकेट तो अमूमन आप देख ही लेते हैं या आप यूज़ भी करते हैं, जब भी शिप पर आप आगे पीछे बैठते हैं, जाके डैम्स वगैरह में करते हैं, बोटिंग करते हैं, तब भी यूज़ करते हैं। बट ये एरोप्लेन के अंदर यूज़ होने वाली लाइफ जैकेट आपने फर्स्ट टाइम देखी होनी है। तो मुझे दें अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त, पर जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।